चमोली जनपद के गौचर में आज जनपद स्तरीय शरदकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डाइट के प्रधानाचार्य आकाश सारस्वत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से अनुशासन और टीम भावना की सीख मिलती है। 24वीं शरदकालीन प्रतियोगिता का जो शुभारंभ किया गया, इसमें पूरे 9 विकासखंड के हमारे बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के लिए स्व अनुशासन बहुत जरूरी है, और जो बच्चे व्यसन मुक्त जीवन जीते हुए स्व अनुशासन में रहते हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, और इससे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, और वो निश्चित रूप से जैसे हमारे चमोली के बच्चे ओलंपिक तक जा रहे हैं, तो इनमें से भी कुछ बच्चे जरूर आगे जाएंगे। वहीं खेल शिक्षक गोपाल बिष्ट ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से सुदूर गांव के बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस तो हर जगह काम आती है, ये तो सभी जानते हैं, और अनुशासन अत्यधिक मतलब हमारे जीवन के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो भी ये खेल सिखाते हैं हमें। और बाहर से आए हुए जो बच्चे हैं, जैसे हमारे देवाल ब्लॉक से आ रहा है, जोशीमठ ब्लॉक से, बहुत इंटीरियर काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, वो इन सारी चीज़ों को सीख के जाते हैं, और फिर वो अपने पूरे विद्यालय को, अपने क्षेत्र को इन चीज़ों से अवगत कराते हैं। तो ये एक हमारे लिए जो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि हमारी जो खेल विधाएँ जो चल रही हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा बच्चा जो है कुछ नई चीज़ सीख के जाता है।